केन कार्जू मार्ग पर अचानक रात में सड़क धस गई और एक बड़ा हादसा होने से बच गया। आप देख सकते हैं आवाजाही बंद हो चुकी है। सड़क को घेराबंदी करने के बाद जो रोड है उसे डाइवर्ट किया गया है ताकि यहां पर जाम ना लगे। आप ट्रैफिक पुलिस को देख सकते हैं आने जाने वाले वाहनों को लगातार समझाते हुए नजर आ रहे हैं कि आप इस गड्ढे के आसपास ना रहें, क्योंकि जो बड़ा गड्ढा दिखाई दे रहा है ये अभी और धंसने की संभावना है। इसके आसपास में खड़ा होने से मना किया जा रहा है ट्रैफिक पुलिस द्वारा और अभी राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। सामने की सड़क ब्लॉकेज किया हुआ है ताकि कोई भी वाहन इस सड़क पर ना आ सके। दोनों तरफ के रास्तों को बंद कर दिया गया है दिल्ली पुलिस द्वारा और ट्रैफिक पुलिस द्वारा। लगातार राहत बचाव कार्य जारी है और ये भी सुनने में आया कि कह रहे हैं कि शायद रात में एक छोटा सा कोई हादसा भी हुआ है और थोड़ी सी चोट शायद किसी को लगी है, ऐसा ट्रैफिक पुलिस ने बताया। एक बड़ा गड्ढा जो 20 सड़क पे हुआ है और आप देख सकते हैं गड्ढे को किस तरह से अचानक रात में ये सड़क धस गई और एक बड़ा हादसा होने से बच गया। आपको मैं दूसरी सड़क पर लेके चलता हूँ। सेक्टर 13 रोहिणी दिल्ली 85 के पास ये हादसा हुआ है, ये सड़क हादसा हुआ है और ट्रैफिक पुलिस द्वारा बताया, बार बार बताया जा रहा है कि आप पास में खड़े ना हो, शायद कहीं और ना ये सड़क धस जाए, इसलिए समझाया जा रहा है और रास्ते को डाइवर्ट किया गया है, वाहनों को आने जाने से रोक दिया गया है कि आप दूसरी तरफ से जाएं। और इस सड़क पे तो वाहनों का आना जाना रुका हुआ है लेकिन दूसरी तरफ भी जो सड़क है दूसरी तरफ भी धस गया है, जिसे जेसीबी के द्वारा हटाया जा रहा है। KN कार्जू मार्ग सेक्टर 13 रोहिणी पर यह सड़क धसी है और कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है। शुक्र है कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन आवाजाही पर रोक लग चुकी है। इस सड़क को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया गया है ताकि इस सड़क पर जब तक जो राहत कार्य है, जो गड्ढों को भरा जा रहा है, जो मलबा हटाया जा रहा है, जब तक इसका कार्य पूरा नहीं होता है शायद इस रास्ते को ब्लॉक ही कर दिया जाएगा। लगातार ट्रैफिक पुलिस द्वारा लोगों को समझाया जा रहा है और रास्ता आप देख सकते हैं सेक्टर 13 अब कहीं ना कहीं तो देखिए प्रशासन की शायद लापरवाही हो सकती है या फिर ये जो गड्ढा हुआ है जो 20 सड़क पे रात में धसी है ये सड़क, शायद बरसात के पानी की वजह भी हो सकती है, क्योंकि बरसात का पानी कहीं ना कहीं अपना रास्ता तो बनाता ही है, क्योंकि जब जल भराव होता है कहीं तो उसका पानी कहीं ना कहीं तो निकलता है। शायद वही एक वजह हो सकती है इस सड़क के धसने की। और
तो आप देख सकते हैं कैन कारजू मार्ग सेक्टर 13 रोहिणी में ये सड़क रात को 1:30 बजे के आसपास धस गई। कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, राहत कार्य जो है वो किया जा रहा है और बाकायदा सभी कर्मचारी लगे हैं। ये 5:30 बजे करीब में हमने देखा जी आते हैं। ये हमने जो लकड़ी उकड़ी है ना, ये डंटा उंटा हमने उठा कर रख दिया, ये किसी को मतलब लगे मत, इसलिए मतलब देखो कि हमने रखो कि हम चले गए थे, आए थे, पानी बहुत भरा हुआ था। तो उस समय जब आप यहाँ पे मौजूद थे तो क्या कोई नहीं हम उस समय तक किसी को नहीं देखे। तो आपने रास्ते को जो है बंद कर दिया था, कोई हादसा? हम लोग खाली ये डंडा रख दिए थे, किसी को पता चले कि यहाँ पर कुछ है, बस तो इतना ही। कोई हादसा तो नहीं हुआ? नहीं नहीं हमारे सामने। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी जो स्थानीय लोग हैं जिन्होंने देखा, उस समय सुबह यहाँ कोई नहीं था, शायद देर से पहुँचे हैं विभाग के जो लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, तो हादसा नहीं हुआ कोई भी। आप देख सकते हैं ट्रैफिक पुलिस लगातार लोगों को समझाती हुई नज़र आ रही है। आप बने रहिए डबल ए न्यूज़ के साथ, अनिल वर्मा, दिल्ली।